स्वागत है आपका मेरे सीबीएसई चैनल स्टूडेंट पार्टनर में। आज हम एमएल अग्रवाल क्लास सेवन एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। 6 का वन फर्स्ट क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन से आता है, इसमें हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। 1/2 x + 5 - 1/3 x - 2 = 4। इसमें हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने का होता है, तो चलिए हम सुन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/2 है, 1/2 और ब्रैकेट में x + 5 है। तो पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। हम बताएं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, जो भी ग्रुपिंग में है ग्रुपिंग को रिमूव करते हैं। तो देखते हैं 1/2 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 और प्लस 1/2 × 5 = 5/2 -1/3 × x/2 - x^3 - - +2/3 = 4। अब हम देखेंगे यहाँ से जो भी वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं। तो x/2 - x^3 + 2/3 = 5/2 +5/2 + 2/3 = 4। हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम करते हैं, इन दोनों को करते हैं, या फिर इसको हम इस साइड भी ले आते हैं, ला सकते हैं, लेकिन हम यही पहले कैलकुलेशन करें तो उसके बाद इसको यहाँ लाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसका 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 2x और यहाँ हो जाता है मेरा +2, 3 का 6, ये हो जाएगा 15 + 4 = 4। यहाँ पर 3x - 2x = x/6 +15 × 4 = 19 / 6 = 4। यहाँ देखें अब क्या करेंगे, x/6 बाकी जो कांस्टेंट है 19/6 को हम आरएचएस में ले आते हैं, लाएंगे तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा, -19/6। x/6 = इसका एलसीएम करेंगे और इसका फ्रैक्शन ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा 6 × 24 - 19 और ये x/6 = 24 - 19 = 5/6 इक्वल टू है, इसलिए नीचे नीचे या ऊपर ऊपर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग काट सकते हैं। तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा, बचता है मेरा x = 5। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो गया। सबसे पहले ग्रुपिंग को रिमूव किया, ग्रुप को रिमूव करने के बाद हम क्या किए हैं, पहले वेरिएबल को एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट को एक तरफ, फिर वेरिएबल को सॉल्व किए, कांस्टेंट को भी सॉल्व किए, फिर कांस्टेंट को आरएचएस के कांस्टेंट की ओर ले आए। इसको लाने के बाद फिर क्या करें, इसका भी सॉल्यूशन निकालें और यहाँ पर x/6 का भी सॉल्यूशन निकालें। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x - 3/6 - x - 5/2 = x/6। इसमें वेरिएबल कांस्टेंट सब एक साथ है, ठीक है, यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, अगर अलग करते हैं तो ये कांस्टेंट अलग हो जाता है यहाँ से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले 6 और 2 का एलसीएम निकालते हैं और इस x/6 को भी उस ओर ले जाते हैं, तो इसको अगर उस साइड ले आते हैं तो मेरा हो जाता है 2x - 3/6 - x - 5/2 और ये +x/6 है, इधर आएगा -x/6 = 0। अब तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 6 × 6 का एलसीएम निकालते हैं। अगर 6 × 6 का हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए कितना आता है, 2 × 3 = 1 3 = 1। तो इस तरह से 3 × 2 कितना हुआ, 6, इसका एलसीएम 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा दोनों को डिवाइड करने से,
और वन किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। माइनस इसको इसको डिवाइड करेंगे तो थ्री आता है, थ्री से जो है इसको एक्स माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स सिक्स को डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और ये माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये सिक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बचता है मेरे पास टू एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थ्री एक्स माइनस ये माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस फिफ्टी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सिक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम बताए थे वन हाइड है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए ये वन से तो इतना हो गया, और इस सिक्स को इससे मल्टीप्लाई किए तो जीरो हो गया। अब देखते हैं वेरिएबल को, ये दोनों वेरिएबल है और एक वेरिएबल यहाँ है, तीन वेरिएबल है अभी टू एक्स माइनस थ्री एक्स तो माइनस एक्स और ये माइनस एक्स है, यानी माइनस थ्री एक्स और माइनस एक्स अगर माइनस फोर एक्स हो जाता है माइनस फोर एक्स और टू एक्स माइनस टू एक्स और यहाँ थ्री और फिफ्टीन यानी फिफ्टीन माइनस थ्री तो ये बन जाता है प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ट्रांसपोज किया इसका साइन चेंज हो गया प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कट गया टू सिक्स या टू एक्स तो एक्स का वैल्यू मेरा सिक्स आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स का टूबल तो आसान है, बस आपको कैलकुलेशन को ध्यान में रखना, अगर आप कैलकुलेशन को सही से कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सब क्वेश्चन में। एक बार फिर अगर एक बार सिर्फ आप अगर वीडियो देखते हैं तो पूरी समझ में आ जाएगी। सिर्फ हमें क्या करना है, तीनों वेरिएबल को एक और ले आए, तीनों का एलसीएम निकाले, सिक्स हुआ सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया वन आया, वन को इतना से मल्टीप्लाई किया इतना ही हो गया, टू को सिक्स से डिवाइड किया थ्री आया, थ्री को एक्स माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया। अगर फ्रैक्शन वाला एड आपको आता होगा या सब्सट्रैक्शन तो वो सेम प्रश्न वही चीज़ है, फिर इसको इसको डिवाइड किया वन आया, वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स हो गया, ठीक है यही था। और क्या करना है हमको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये पूरा कर इससे, और यहाँ पर ये ग्रुपिंग है इस ग्रुपिंग को तोड़ दें, ग्रुपिंग को तोड़े सिक्स से इसको ये पूरा टर्म को इससे मल्टीप्लाई किए तो ये इस तरह का कुछ केस आया। अब यहाँ से वेरिएबल को सॉल्व किए और वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद कॉन्स्टेंट को भी सॉल्व किए और जो भी आया वेरिएबल कॉन्स्टेंट का वैल्यू एक को एल एच एस में रखें एक को आर एच एस में रखें फिर दोनों को सॉल्व कर दें। इस तरह से मेरा